हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों यार, ये वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। जितना भी जो है लेटेस्ट MIUI 11 और साथ ही साथ MIUI 12 का जो अपडेट्स आ रहा है, उससे रिलेटेड जो है ये वीडियो में बात करने वाला हूं। और साथ ही साथ यार, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, उन्होंने मुझे अभी बताया है कि यार रेडमी नोट 7 प्रो को जो है एक और नया अपडेट अभी का अभी मिलने चालू हो गया है। तो इसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से यार सब्सक्राइब करके घंटा जो है उसे बजा दीजिएगा, क्योंकि यार अगर आप घंटा नहीं दबाते तो आपको जो है नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस का नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी ना करें फटाफट से बात करते हैं रेडमी नोट 7 प्रो का जो लेटेस्ट अपडेट अभी रोल आउट हो रहा है इंडिया में, उसी के बारे में दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका वर्जन नंबर 11.0.10.0 है। स्टेबल अपडेट दोस्तों, काफी छोटा मोटा अपडेट है यार। Xiaomi को जो है इतने लोगों ने कंटिन्यूस बेसिस पे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद मिला क्या यहां पे आप खुद ही देख सकते हैं, बस जून का सिक्योरिटी पैच। तो यार आप अंदाजा लगा सकते हैं यार, इतने लोग जो है इतने दिन से वेट कर रहे हैं एंड्रॉइड 10 अपडेट का, MIUI 12 अपडेट का, और अल्टीमेटली जो है उन्हें एक छोटा मोटा 170 MB का जो है जून 2020 का अपडेट देखने को मिलता है। तो यार फाइनली कुछ तो मिला एटलीस्ट, लेकिन यार बहुत दिन के इंतजार करना पड़ा जितने भी रेडमी नोट 7 प्रो यूजर्स हैं उनको, जो बहुत महीने बाद जो एक और अपडेट देखने को मिल गया है। और इसमें जो आपको एंड्रॉइड 10 तो नहीं मिलता, मुझे मालूम है यार बहुत लोगों का गुस्सा आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, होपफुली यार एक दो हफ्ते में जो है एंड्रॉइड 10 भी ये लोग दे दे। तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि अभी अपडेट रिसीव होना चालू हो गया उनको। तो यहां पे बात करेंगे अभी रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में। तो यहां पे दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं रेडमी नोट 8 प्रो को जो है ग्लोबल में, इंडिया में नहीं दोस्तों, इंडिया के बाहर का अपडेट का बात कर रहा हूं, ग्लोबल में जो कि पूरा वर्ल्ड में रोल आउट किया जाता है, उसमें जो है आपको 12.0.2.0 का जो अपडेट है MIUI 12 का वो दिया गया है। और इसका जो है पहले टेस्टिंग चल रहा था, अभी जो है फाइनल इसका जो स्टेबल अपडेट उसे पुश कर दिया गया है। बहुत ही जल्दी जो है Redmi का Note 8 Pro में जो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें अभी बाकी फोन्स के अपडेट का, तो यहां पे आप देख सकते हैं MI 8 Pro को जो है नया अपडेट देखने को मिला है, MI 10 Global को भी नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल गया है, Poco F1 रशिया को भी जो है नेक्स्ट अपडेट यहां पे आप देख सकते हैं 11 सीरीज का 11.0.4.0 का देखने को मिल गया है। MI 90 का बात करें तो MI 90 को MIUI 12 का जो है अपडेट, स्टेबल अपडेट 12.0.2.0 का वो भी देखने को मिल गया है। A3 का अगर बात करते तो MI A3 को भी जो है 11.0.19.0 ग्लोबल अपडेट है। और Redmi Note 9 चाइना के वर्जन को जो है MIUI का 12 का नेक्स्ट वर्जन यानी कि 3.0 का 12.0.3.0 का जो अपडेट है वो भी देखने को मिल गया है। तो यार ये क्या है, कुछ समझ नहीं आता है। मैक्सिमम जितना भी अपडेट है सब बाहर के लिए आता है। आज जो है हालांकि इंडिया के लिए बस एक ही अपडेट आया है, Redmi Note 7 Pro है वो डिवाइस जिसे जो ये अपडेट दिया गया है। और इसमें जो छोटा मोटा अपडेट है यार, एंड्रॉइड 10 भी नहीं मिलता है, MIUI 12 भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, बस एक यार भद्दा सा सिक्योरिटी पैच जो है देखने को मिल गया है। तो यार आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसमें जो है बहुत लोगों ने बोला है मुझे कि उनको जो है रिसीव हो गया है। आप लोग जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यार आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी बात करेंगे रेडमी का नोट 7 है और 7S है उसके बारे में। तो आपको मालूम ही है यार, मैंने पुराना वीडियो में कवर किया रहा, अगर आपने जो वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें जो काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैं MIUI 12 से रिलेटेड। ये है वो वीडियो, इसमें जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि Redmi Note 7 और 7S को जो है चाइना में स्टेबल अपडेट MIUI 12 का देखने को मिल गया है। इंडिया में कब तक आता है एग्जैक्ट डेट तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन यह 10 से 20 दिन के अंदर जो है सेम अपडेट इंडिया में भी लॉन्च किया जा सकता है। तो अगर आप जो है 7 और 7S है तो यार कंटिन्यूअस बेसिस पर जो है अपडेट अपना अपडेटर ऐप का चेक करते रहिएगा, क्योंकि यार Xiaomi का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी जो अपडेट देरी से देता है तो कभी जो जल्दी भी दे देता है। तो उसके लिए यार चैनल को फॉलो करते रहिएगा और अपडेट जो है जरूर से चेक करते रहिएगा, क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है, इस दिनों जो है बहुत सारे अपडेट्स आने का चांसेस है। तो फिलहाल यार ये वीडियो के लिए यही था, थोड़ा मोड़ा जो अपडेट का न्यूज़ था वो देना था। आई होप जो आपको ये न्यूज़ और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।